जानते हैं कि हनुमान जी प्रत्यक्ष कलयुग के देवता हैं, तुरंत प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनकी निरंतर आराधना के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो अवश्य ही आप कोई बड़ी गलती कर रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं मिलता कुछ लोगों को हनुमान चालीसा का लाभ। दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ किस प्रकार करें और क्या उपाय अपनाएं जिससे भगवान खुश हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, हनुमान चालीसा के पाठ की शुरुआत आप मंगलवार या शनिवार से कर सकते हैं। आप 40 दिनों का अनुसरण कीजिए, उसके बाद अगले 11 शनिवार, अगले 11 मंगलवार तक आपको एक दिन के अंदर 21 पाठ करने होंगे। स्मरण है कि पाठ केवल सुबह सुबह 4 बजे शुरू करना होगा। जो तरीका आपको बताया गया है, अगर इसी प्रकार से आप नियमानुसार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और इच्छा अनुसार फल आपको प्राप्त होगा। इस विधि के द्वारा पाठ करके प्रसाद को गाय और बंदर को देना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद बांट दीजिए। जब हनुमान चालीसा पूर्ण हो जाए तो हवन भी करिए। हर चौपाई के बाद एक आहुति दीजिए। जब हवन हो जाए तो गरीबों में बूंदी चूरमा बांट दीजिए। इस प्रकार आपने जो अनुष्ठान किया है वो पूरा हो जाएगा। जब हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगा तब आप कभी संकट से घिरे तो इस पाठ को तुरंत आप करें, उसके बाद आपको चमत्कारी असर दिखाई देगा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।